हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑडिबल है? हाँ, ऑडियो होगा आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अले सिंपली ट्रैफिक पढ़ रहे थे। ट्रैफिक चल रहा था, ट्रैफिक का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। लास्ट पोर्शन जो है वो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो लास्ट पोर्शन जो हमारा है वो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन। रोड बन चुकी थी, अभी बनी नहीं है। मतलब रोड, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो रोड सिंपली अभी बनाएंगे। पेमेंट डिज़ाइन में रोड बनाएंगे, बट उससे पहले हमको ट्रैफिक सिग्नल्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करेगा? हम ही करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स कौन डिज़ाइन करेगा? हम करेंगे। लास्ट में जब लास्ट पोर्शन जो है वो क्या है? रोड बनाना, पेमेंट डिज़ाइन। तो लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पेमेंट डिज़ाइन। ट्रैफिक कंट्रोल में आपको सिंपली तीन चीज़ें पढ़नी है, तीन चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट पढ़ना है इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शंस देखे होंगे, स्क्वायर्स देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, दूसरा पढ़ना है ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज वॉट? ट्रैफिक साइन। बोर्ड लगाते थे हम, तो वो ट्रैफिक साइंस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है वो आपको खुद से कवर करना है। लाइक आप गूगल करेंगे या फिर कोई अच्छी बुक देखेंगे तो बुक में आपको ट्रैफिक साइंस दिख जाएंगे। तो सिंपली आपको देखने की ट्रैफिक साइन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है। ये वाली लास्ट पोर्शन जो है वो आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स कौन से होते हैं, राइट मुड़ने के लिए कौन सा साइन है, लेफ्ट जाने के लिए कौन सा है, इन्फॉर्मेटरी कौन सा है कि यहाँ से भोपाल 200 किलोमीटर्स है, तो वो इन्फॉर्मेटरी हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, ऊपर किस वर्ड से लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें, मतलब किस कलर से लिखा होता है, बैकग्राउंड किस कलर का होता है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है? ट्रैफिक सिग्नल्स में। तो ये आप, सॉरी, ट्रैफिक साइंस में। तो ये आप खुद से पढ़ेंगे। यहाँ हम सिंपली कवर करेंगे इंटरसेक्शन एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, बाकी हम अभी स्टार्ट करते हैं क्या? सिंपली स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक में इंटरसेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून। तो हेडिंग डालिए इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस क्या होते हैं? इंटरसेक्शंस देखे होंगे। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन जो होते हैं मतलब स्क्वायर्स, जहाँ पे चार रोडें मिल रही हैं आके, चार डायरेक्शन से रोडें आके मिल रही है, वो क्या होते हैं? इंटरसेक्शंस होते हैं। एक रोड दूसरी रोड को क्रॉस कर रही है, मीन्स इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन होते हैं। इंटरसेक्शन कितने टाइप के होते हैं? सिंपली इंटरसेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एट ग्रेड, एट ग्रेड इंटरसेक्शन। और वहीं दूसरा बात करूं, दूसरा होता है ग्रेड सेपरेटेड, सेपरेटेड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। इनमें फर्क सॉरी, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? तो इनमें फर्क ये है कि सर
जब लेवल ग्रेड रहेगा, एड ग्रेड मतलब लेवल ग्रेड, लेवल ग्रेड। सर और बताइए डीप में, तो और अगर मैं बताऊँ तो वेन रोड्स, कौन सी रोड, वेन टू रोड्स मीट एट सेम लेवल, एट सेम लेवल। जब दो रोड सेम लेवल पे मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एट ग्रेट इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सिग्नलाइज्ड, सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, या फिर रोटरी, रोटरी भी पढ़ना है हमें आज, तो ये रोटरी, रोटरी देखा होगा बीच में एक ऐसा बना होता है और आजू बाजू से उससे रोड जाती है, ये क्या है, रोटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एट ग्रेट इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखो कुछ नहीं होता है, सिंपली जो अपने नॉर्मल सिग्नल दिखते हैं कि ये एक रोड आई है, ठीक है सर, यहाँ से दूसरी रोड आई है, ये तीसरी, ये फोर्थ रोड, ठीक है, इनके बीच में कुछ होगा ऐसे, सेंटर लाइन होगी मेंशन, तो ये सेंटर सेंटर लाइन। अब ये क्या है, सेम लेवल पे, याली रोड और याली रोड क्या है, सेम लेवल पे, याली रोड और याली रोड क्या है, सेम लेवल पे, चारों रोड क्या है, सेम लेवल पे। तो इसको क्या बोला हमने, नाम क्या दिया, एट ग्रेट इंटरसेक्शन, इसको नाम दिया, क्या दिया, एट ग्रेट इंटरसेक्शन या फिर लेवल ग्रेड, सिंपली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते बी, बी रोड है ए बी, इसको दे देते सी एंड इसको दे देते डी, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कोई एक व्हीकल है, वन यहाँ से आ रहा है, वन यहाँ से आ रहा है, तो वन से कहाँ कहाँ जा सकता है, हो सकता है उसका उसकी डायरेक्शन हो जो वो सीधा भी जा सकता है, भाई वो सीधा चला गया, ठीक है, वो यहाँ से सर राइट भी ले सकता है तो ये राइट चला गया, ठीक है, और यहाँ से क्या जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये इसका वन दे देता हूँ, ए को वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर दे देता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ, एक नंबर जो है, जो एक नंबर तुम्हारी गाड़ी होगी वो कहाँ जा सकती है सर, वन टू, वन से टू की तरफ जा सकती है सर, वन थ्री, वन से थ्री की तरफ भी जा सकती है, वन से फोर की तरफ भी जा सकती है। अभी क्या है, गाड़ी सिंपली जा रही है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसमें सिंपली तुमने देखा हुआ है सारी चीज़ें तो तुमको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि लेवल ग्रेड क्या है, लेवल ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होता है, लेवल ग्रेड या फिर एट ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होता है। जब ये दो रोड, कौन सी रोड थी, एक तो याली रोड थी ए से सी याली, ए सी रोड और बी डी रोड, बी डी रोड, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सेम लेवल पर, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेम लेवल पर, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपली इसको बोलते हैं लेवल ग्रेड या फिर एट ग्रेड इंटरसेक्शन। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके सर, रोटरी, रोटरी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, या फिर या सिग्नल, सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, या सिग्नल भी लगे होते हैं ना हर स्क्वायर पे, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ सिग्नल होते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। वहीं अब बात करते हैं सेकेंड, ग्रेड सेपरेशन या फिर ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन, तो ये सिंपली क्या है, अब क्या स्थिति होगी, समझ गए होंगे कि सर जो ग्रेड होगा वो अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग लेवल होगा। वेन टू रोड्स मीट्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, जब दो रोड अलग अलग लेवल पे होगी, एक रोड ऊपर से जा रही है, एक रोड नीचे से जा रही है, तो वहां पे जो इंटरसेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो इसमें देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं पहले, एग्जाम्पल कभी पूछ लिया तो, एक होता है क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन होता है, या फिर इंटरचेंज, इसके एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इंटर चेंज, अभी देखेंगे आगे क्या क्या होती है, ठीक है। सिंपली देखो एक रोड ऊपर से जा रही है, ठीक है सर, ये एक रोड कहाँ से चली गई, ऊपर से, ये एक रोड ऊपर से चली गई, और एक रोड कहाँ से चली गई, नीचे से चली गई,
तो ठीक है नीचे से कर दो। ये क्या है? हिडन है, तो नीचे से चली गई। ये सर रूट नीचे से चली गई, इसकी कुछ सेंटर लाइन होगी। अब मान लो क्या करना है इसको। अब यहां से कोई जा रहा है, यहां से जो वन था, वन यहां से जा रहा है। अगर वन को नीचे वाली लेन में जाना है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई नीचे जाने के लिए, ऐसे हवा में थोड़ी गाड़ी कूदवाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या देना पड़ेगा। तो दो तरीके से आप इसको नीचे भेज सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ से प्रोवाइड करवा दो कि भैया तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो, ठीक है लेफ्ट ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वन वाला कहाँ कौन सी लेन में चला जाएगा, वन वाला इस लेन में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है वन वाला इस लेन में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट टू लेफ्ट चलते हैं ना अपन, लेफ्ट से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से लेफ्ट में आ गया। अब सर आप ये भी तो बताओ कि सर हो सकता है उसको याली लेन में जाना हो, उसको इधर जाना हो, तो वो कैसे जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, वो सिंपली यहाँ से ऐसे जाएगा कि भैया तुमको अगर याली लेन में जाना है तो तुम इधर तक के आओ, इधर से इधर मुड़ जाओ और इधर से इधर ज्वाइन कर लो। तो ये क्या हो गया, इधर चला गया, ठीक है। या तो हो सकता है उसको सीधे जाना हो तो वो सीधे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये सिंपली होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। क्या होता है ये, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है। वहीं आगे बात करता हूँ, तो ये जब ऐसा कर्व टाइप देते हैं, क्लोव टाइप देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप रैंप। इसको क्या बोलते हैं, लूप रैंप, इसका नाम है, क्या नाम है, लूप रैंप, ठीक है। और वहीं अगर इस तरीके का देते हैं कि सिंपली ऐसा दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रैंप। इसमें कोई लूप नहीं है ना, तो इसको क्या बोला, डायरेक्ट रैंप। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रैम। तो आपको यही कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं हाईवेज पे, हाईवे पे, कि भैया ये क्या है, न्यू दिल्ली टू चेन्नई है, ये क्या है, मुंबई टू कोलकाता है। तो भैया नीचे अगर ये किसको, न्यू दिल्ली वाले को कोलकाता जाना है, तो वो यहाँ से आएगा, इधर से इधर निकल जाएगा। देखो यहाँ से आया, हाँ यहाँ से देखो, यहाँ से ये रेड डॉट को फॉलो करो, यहाँ से अब इसको न्यू दिल्ली वाले को कहाँ जाना है, कोलकाता जाना है। जब कोलकाता जाना है तो क्या करेगा वो सिंपली रेड डॉट को फॉलो करना, यहाँ से जाएगा ऐसे इधर जाएगा और याली लेन में आके अपना चले कोलकाता। सर न्यू दिल्ली वाले को मुंबई पहुँचाओ, तो ये सर सिंपली लेफ्ट लेके मुंबई पहुँच जाएगा यहाँ से ऐसा। सर न्यू दिल्ली वाले को कहाँ, चेन्नई पहुँचाओ, तो ये सीधा सीधा चले जाएगा चेन्नई। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, हाँ सर हो गई, तो ठीक है। अब इसके ऊपर और बात करेंगे, किसके ऊपर, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के ऊपर। ये ध्यान के रखना, ये क्या होता है, ये जो ऐसा सिंपली एक रहता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट रैंप होता है, और जो कर्व लूप के फॉर्म में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लूप रैंप, ठीक है। नाम वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया तो पता होगा। अब डिस्कशन करेंगे किस पे, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये डिफरेंस समझ गए होंगे इंटरसेक्शंस में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेड सेपरेटेड, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है, फर्स्ट फुल क्लोव, क्या है फर्स्ट फुल क्लोवर लीफ नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें देखो सिंपली मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद साथ साथ में आप भी बनाते जाइए। रुको एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, तुम लोग गैप देके बनाना। लाइक मैं अगर, देखो समझना ठीक है, मैंने ऐसी रोड बनाई है, यहाँ ऐसा निकल रहा है, तो तुम कैसे बनाओगे इसको, ऐसे बनाओगे, ठीक है यहाँ से ऐसा, ठीक है समझ रहे हो, यहाँ पे हिडन लाइन रखना है। तो अब बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा।
बोर्ड पे बनाना काफ़ी इजी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई नहीं, चलो देखो ये रोड है, पहले देख लो फिर बनाना। क्या, कौन सी रोड है ये? सर ये ऊपर वाली रोड है, ठीक है, फुल फुल क्लोवर बनाना है सर, और ये नीचे वाली रोड है। क्या है ये? नीचे वाली रोड है, ये नीचे वाली रोड है, ठीक है। सर इसमें क्या है? सर ये सेंटर लाइन है ये रोड का। अच्छा, इधर भी सेंटर लाइन है सर, ठीक है। फुल क्लोवर मतलब फुल, फुल मतलब भाई सबकी व्यवस्था का ध्यान रखना है, आगे पीछे दाएं बाएं सबका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखो, इधर वाला बंदा अगर आएगा तो इधर से अगर उसको नाम दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4। अगर वन वाले को ध्यान रखना, अगर वन वाले को 2 में जाना है तो उसके लिए एक इंटर पास बनाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रैम्प बनाया मैंने, क्या बनाया? डायरेक्ट रैम्प, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वन वाला 2 में चले जाएगा। सर 2 वाले को 3 में भेजो तो एक और रैम्प बनाओ, ये 2 से 3 में चला गया। सर 3 वाले को 4 में भेजो, रैम्प बनाओ, क्या बनाओ? रैम्प बनाओ। तो ये कौन सा रैंप है? ये डायरेक्ट रैंप है सर ये, ठीक है। सर 4 वाले को 1 में भेजो तो ये ऊपर, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। सर अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सर 1 वाले को ये नीचे जो 4 वाला है, 4 वाले को 1 में ज्वाइन करना है, 4 वाले को 1 में ज्वाइन करना है, और उसको कहाँ जाना है? 4 से 4 वाले को 3 जाना है। पहले कैसे सर्कल चलाया? 1 से 4 चलाया, अब सर्कल कैसे चला रहे हो? 4 से उल्टा चलाऊंगा। 4 वाले को कहाँ जाना है? 3 में जाना है। तो सर वो यहाँ से आएगा, सर वो यहाँ से आएगा, सर इधर एक लूप रैम्प दे दो। तो ये क्या बनेगा यहाँ? लूप रैम्प। तो यहाँ से आके लूप रैम्प के अंदर चढ़ के इधर निकल जाएगा, ठीक है। सर 3 वाले को 2 में जाना है, तो 3 वाले को 2 में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर एक लूप रैम्प देना पड़ेगा। ये 3 वाला क्या करेगा? इधर से आएगा और इधर से इधर निकल जाएगा। तो 3 वाला 2 में चला गया। सर 2 वाले को 1 में जाना है, 2 वाले को 1 में जाना है, तो 1 कैसे जाएगा वो? तो 2 वाला इधर से आएगा, कहाँ से ला रहे हो 2 वाले को? 2 वाला इधर से आएगा, एक और लूप रैम देना पड़ेगा अपने को। तो वो लूप रैम कौन सा होगा? ये वाला तो इधर से इधर आ गया, ये वाला इधर से इधर आ गया, और इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो ये 2 वाला है, ये कौन सा है? 2 वाला है। 2 वाले को कहाँ भेजना है? 3 में भेजना है। तो ये यहाँ से एक लूप रैम्प आ जाएगा, और 1 वाले को अगर 2 में भेजना है इधर साइड, तो एक लूप रैम्प यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? लूप रैम्प है, सिंपली लूप रैम्प। तो देखो 1 वाला 3 में भी चला गया, 1 वाला 2 में भी चला गया, यहाँ से 2 वाला 3 में भी चला गया, ठीक है। 3 वाला 4 में चला गया, ठीक है। 4 वाला 1 में चला गया, ठीक है। और दूसरा ये लूप रैम थी, ये कौन से रैम थे? ये डायरेक्ट रैम थे, डीआर था ये डायरेक्ट रैम, और ये 4 क्या थे? ये 4 लूप रैम। जब 4 डीआर आएंगे और 4 एलआर आएंगे, लूप रैम आएंगे, तो वो कैसा होगा? फुल क्लोवर लीफ होगा, ठीक है। कैसा होगा? फुल क्लोवर लीफ, ठीक है। ये देखो 1 वाला यहाँ से, 3 वाला यहाँ से आ रहा है, 2 में इधर से ज्वाइन कर लेगा, और 4 वाला इधर से ज्वाइन कर लेगा, ये 2 वाला इधर से ज्वाइन कर लेगा, और यहाँ वाला यहाँ से ज्वाइन कर लेगा। तो सब सेटिस्फाइड है, ठीक है। यहाँ से इधर भी ज्वाइन करके इधर जा सकते हैं, तो सारी व्यवस्थित बन चुका है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सिंपली याद रखो, ये तुमको पूछेगा नहीं, पर लेकिन याद रखो सर, जब 5 DR आएंगे, 4 DR आएंगे, 4 LR आएंगे, तो क्या होगा? वो होगा फुल क्लोवर लीफ। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ पार्शियल, पार्शियल की, सेकंड पार्शियल, पार्शियल क्लोवर लीफ, तो पार्शियल बोलूंगा तो पार्शियल मतलब 2 रैम्प और 2 लूप, तो बना दो, दो दो रैम्प और 2 लूप बना दो। तो देखो पार्शियल मतलब आधा, तो 2 रैम्प बना दो, ये 2 रैम्प बन गए और 2 लूप बना दो, ये क्या बना? पार्शियल क्लोवर लीफ, ठीक है। क्या बना? ये पार्शियल क्लोवर लीफ। क्या है इसमें? 2 DR है और क्या है? 2 LR है।
ये क्या हुआ, पार्शल लोअर लीफ हुआ, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो तीसरा आता है इसमें वो होता है डायमंड इंटरचेंजिंग। क्या होता है वो, डायमंड इंटरचेंजिंग या फिर डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज क्या होता है, ये तो सर ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। इसमें सर चार रैंप लगा दो, कौन से वाले सर, चार डायरेक्ट रैंप, चार डायरेक्ट रैंप लगाओगे तो क्या बनेगा, ये डायमंड इंटरचेंज, ठीक है, क्या बनेगा ये, डायमंड इंटरचेंज। सर नॉट ऑडिएबल, अच्छा ओके ओके, आवाज आ रही है, डायमंड इंटरचेंज, ठीक है। डायमंड इंटरचेंज में क्या आएंगे, चार डायरेक्ट रैंप आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमंड इंटरचेंज, ठीक है। तो ये सिंपली तीन चीज़ें याद रखनी है, पूछेगा नहीं अभी तक के, पूछेगा क्या उस पर बात करेंगे, जो पूछने वाली चीज़ है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है अब कि एट ग्रेड इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेशन खत्म हो गया, ठीक है, ग्रेड सेपरेशन खत्म हो गया, अब बात किसकी कर रहे हैं, एट ग्रेड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब देखो क्या होते हैं इसमें, हेडिंग डालो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स देखो क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स चार टाइप के होते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वन इज व्हाट, क्रॉसिंग, फर्स्ट वन इज व्हाट, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये तुमसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बताओ। सेकेंड वन इज वॉट, वीविंग, वीविंग कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड वन इज वॉट, मर्जिंग, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। एंड लास्ट वन इज वॉट, एक मर्जिंग हो गया तो लास्ट क्या होगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इनमें से जो ये दो है, कौन से दो, ऊपर के दो है, उनको क्या बोलते हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं, मेजर, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। अभी देखेंगे इसको क्यों बोलते हैं मेजर। और नीचे के जो दो है उनको क्या बोलते हैं, माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर सीपी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग क्या होता है सर, तो क्रॉसिंग में देखो क्रॉसिंग क्या होता है, सिंपली एक इधर से जा रहा है और दूसरा इधर से जा रहा है, तो ये क्या, एक पॉइंट में क्रॉस हो रहा है, तो ये कितना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हुआ, ये हुआ सर क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ठीक है। वहीं और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि सर उल्टा कर दो, एक इधर से जा रहा है इधर और दूसरा इधर जा रहा है, तो भी क्या बन रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन रहा है। कौन सा वाला सर, मेजर वाला, ठीक है, कौन सा वाला, मेजर वाला, और उसका नाम क्या है सर, क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉसिंग। वीविंग क्या होता है, वीविंग देखो एक इंसान सीधा जा रहा है इधर और दूसरा इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ वीविंग। अभी देखेंगे क्या होता है, ये क्या हुआ, वीविंग। दूसरा वीविंग कैसे बन सकता है सर, उल्टा बना दो, एक इधर जा रहा है, ठीक है, या फिर तो दूसरा ये इसको इधर से ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ये कौन सा बन गया, दूसरा बन गया, ठीक है, सेकेंड। वहीं और आगे बात करूँ, मर्जिंग, मर्जिंग कैसे दिखते हैं, तो मर्जिंग मतलब सर मर्जिंग बना रहा हो इधर, ठीक है, मर्जिंग बना रहा हो इधर, सर ये सीधा जा रहा है, अच्छा सर ये लेफ्ट से आके इसको ज्वाइन कर लिया, जब ये लेफ्ट से आके इसको ज्वाइन कर लिया तो ये सर एक पॉइंट बना, कौन सा पॉइंट बनेगा, वो ये बनेगा, तो ये कौन सा हो गया सर, मर्जिंग हो गया, ठीक है।
मर्जिंग क्यों बोले? क्योंकि सर ये इधर जा रहा था और ये भी इधर से आया तो ये पॉइंट पे आके मिले। अच्छा, एक और मर्जिंग बना के दिखाओ। तो सर सिंपल है, एक इधर से आया, हो सकता है इधर से आ गया वो, तो ये दूसरा मर्जिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते, कौन सा? ये डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से दो लोग निकले, तो ये एक पॉइंट है, एक इधर गया और दूसरा किधर गया? दूसरा इधर गया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सीधा गया और दूसरा इधर गया, तो ये कौन से हो गए? ये डाइवर्जिंग पॉइंट्स हो गए। ये कौन से पॉइंट हो गए? डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब इनको मेजर क्यों बोला? अब देखो, मेजर इसलिए बोला ये लोग को कि भाई एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्रॉस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो मेजर पॉइंट्स है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। माइनर में क्या है? कम रिस्क है भाई, साइड से आके तुम, एक गाड़ी इधर है और दूसरी इधर आ गई, तो एज सच एक्सीडेंट होगा भी, तो बहुत माइनर मतलब टकराएंगे बस। इधर क्या होता है? हेड टू हेड कोलिजन हो सकता है, तो हेड टू हेड कोलिजन होगा तो वो ज़्यादा डेंजरस है, तो ये कैसा हुआ? ये सिंपली मेजर हुए और बाकी जो दो हुए माइनर। कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि इनको क्या बोलते हैं? वीकेस्ट, वीकेस्ट। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। वीकेस्ट सीपी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और मेजर को क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट सीपी क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर ये निकालते कैसे? तो चलो आओ देखते निकालते कैसे। बात करते किसकी? टू लेन टू वे रोड, टू लेन टू वे रोड की बात करते हैं। जब टू लेन टू वे रोड की बात करेंगे तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। दो लेन बनानी पड़ेगी और दो लेन टू वे, टू लेन टू वे, ट्रैफिक कैसा है? दो दोनों साइड से है। चलो ठीक है, इनकी क्या है? सेंटर लाइन है, या फिर डिवाइडर बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, गाड़ी क्या होगी? अपन ग्रीन से करते हैं, ग्रीन के ऊपर। यहाँ से एक गाड़ी जा रही होगी, ठीक है सर, तो गाड़ी क्या होगी? सीधे जा रही होगी इधर। ओके, किधर जा रही है? इधर। वहीं दूसरी गाड़ी कैसे जा रही होगी? सर इधर से ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये एक गाड़ी कैसे जा रही होगी? सर इधर जा रही होगी, लेफ्ट से चलते ना हम, तो लेफ्ट वाला, इधर से गाड़ी आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो सर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हुए अभी? अभी जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आए हैं, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, वो चार आए हैं, एक दो तीन और ये चार। ठीक है, चार आ गए। चलो ठीक है, नाम दे दे क्या इसको? ये वन, ये टू, समझ आएगा और अच्छे से, थ्री और ये फोर, तो ये चार क्रॉसिंग आ गए। ठीक है सर, क्रॉसिंग वाले कितने आ गए? चार आ गए। अच्छा ठीक है, अब सर अब करते हैं क्या? मर्जिंग वाले, मर्जिंग वाले देखते हैं, मर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो देखो कितने आ रहे हैं, अब उसको ब्लू से देते हैं। सर एक तो हो सकता है वो ऐसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर ले, ठीक है, दूसरा हो सकता है यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर ले इसको, है ना, तीसरा क्या हो सकता है सर? यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर ले, ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है सर? यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो देखो मर्जिंग कितने है, मर्जिंग कितने है, मर्जिंग कितने आ रहे हैं? इसको डिनोट करते हैं ग्रीन से। ये देखो, ये इसमें मर्ज हो रहा है एक, ये इसमें मर्ज हो रहा है दो, ये इसमें मर्ज हो रहा है तीन, ये इसमें मर्ज हो रहा है चार। वहीं डाइवर्जिंग कितने हैं? सर ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया एक, ये सर ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया दो, सर ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया तीन, और ये क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया चार। ठीक है, तो कितने आ गए? सर ये आ गए मर्जिंग, और मर्जिंग बोल दो या फिर डाइवर्जिंग, तो फोर प्लस फोर तो ये आठ। तो ये मेजर जो अपने माइनर थे वो कितने आ गए? आठ आ गए। ठीक है,
आठ आ गए, एट आ चुके हैं, ठीक है, विजिबल है? अटक गया है क्या? नहीं, तो ये आठ आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं वीविंग की। वीविंग ध्यान से समझना, वीविंग में अटकोगे। वीविंग को बनाते हैं इससे। वीविंग देखो, अब पहला वीविंग कहाँ बनेगा? ये एक वाला कहाँ जाएगा? चार जाएगा, तो क्या होगा? वीविंग बनेगा। एक वाला जब कहाँ जाएगा? चार जाएगा, चार की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा? वीविंग बनेगा। तो एक वाले को मैं कहाँ भेजता हूँ? चार की तरफ भेजता हूँ। एक वाले को कहाँ भेज दूँ? चार की तरफ। अच्छा सर, चलो एक से चार हो गया, एक वाला कहाँ गया? चार की तरफ गया, चार में मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दो वाला कहाँ जा सकता है? एक में जा सकता है, तो वीविंग बनेगा। तो सर दो वाले को क्या करो आप? एक में भेज दो। तो एक में भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अभी कितने पॉइंट आए थे याद रखना? अभी कितने पॉइंट आए सर? अभी तो ये एक पॉइंट आ गया है और ये दूसरा पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ गया, कौन सा वाला? वीविंग वाला, ठीक है। दो आ गए। और सर अब देखो, अब जब टू से वन जा रहा है इंसान, टू से वन जा रहा है, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं? सर ये एक आ रहा है, एक, ये दो आ रहा है, दो, और सर एक ये तीसरा भी आ रहा है, तीन आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये तीन आ रहे हैं। अब और वीविंग करते हैं, तो कितने हो गए? अब दो वाला एक में चला गया, अब तीन वाले को भेजो कहाँ? तीन वाले को भेज दो दो की तरफ। तो जब तीन वाला दो पे जाएगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा, तीन वाला दो पे जाएगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं? एक, दो, सर ये तीन, तीन आ गए फिर से। अब कौन सा बचा है? चार वाला बचा ना, ये वाला चार वाला। अब चार वाले को भेजो, चार वाले को कहाँ भेजोगे? चार वाले को तुम भेजोगे इधर साइड, तो ये इधर आ गया। तो वीविंग पॉइंट्स कितने आए? वीविंग पॉइंट्स आए सर, जूम करता हूँ मैं थोड़ा, सर ये एक आया, ये दो आया, ये तीन आया, और ये चार, चार वीविंग पॉइंट आ गए। तो टोटल वीविंग पॉइंट कितने आए गिनो जरा? तो सर एक, एक याला, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 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 और कहाँ गए? ये 10, और एक और कोई छूट रहा है? दो और छूट रहे हैं, देखो कहाँ छूट रहे हैं, ढूंढो ढूंढो। एक, दो, तीन, चार, एक में चार आए, ठीक है। यहाँ से आ गया था तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले में कितने आए थे काउंट करो, जब पहले क्रॉस हुआ था। वीविंग देखते हैं, वीविंग पहले जब क्रॉस हुआ था तो कितने आए थे? एक, दो, तीन, चार, चार, ठीक है। जब दूसरा गया तो कितने आए? दो से एक गया तो एक, दो, तीन, तीन प्लस यहाँ से यहाँ गया तो एक, दो, तीन, चार, फिर चार, टोटल 12 आ रहे होंगे। देखो गिनो, तुम्हारी कॉपी में गिनो कितने आ रहे हैं टोटल। इसको अलग इससे मार्क करते हैं अपन, इसको थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, सब एक जैसे हो गए। येलो से करते हैं, ठीक है। जब 1 से 4 गया तो सर ये एक आया, ये दूसरा आया था, ठीक है, दो आए थे। फिर जब 2 से 1 गया, एक, दो, 2 से 1 गया तो एक ये आया था सर और दूसरा ये आया था, तो कितने आ गए थे? चार आ गए थे, कितने? चार। और भाई ये अपन ने तो इससे मर्ज कर दिया था, तो ये कहीं ना कहीं इधर मर्ज होगा, ठीक है, कहाँ मर्ज होगा? इधर मर्ज होगा। तो टोटल कितने आने चाहिए? 12 आने चाहिए, 12। तो इसको फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सब मर्ज हो गया। ये वीविंग के लिए अलग से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा उसमें सब खिचड़ी पक गई है, वीविंग का अलग से बनाते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलो आओ।
पहले क्या बन गया था, फिर खिचड़ी ना पक जाए यार। एक ये बन गया था, ये बन गया था, ये बन गया था, ये बन गया था, ये इधर जा रहा 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 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। ठीक है, चलो सर वन वाले को कहाँ भेजो, सर वन वाले को कहाँ भेजो, वन वाले को 4 में भेजो, तो भेजो, ग्रीन से भेजते हैं इधर से, ये इधर, चलो ये आ गया। ठीक है, बाद में काउंट करेंगे अभी। अब 2 वाले को कहाँ भेज दो, वन में भेज दो। अरे ये ओवरलैप कर दिया मैंने, ओवरलैप नहीं होगा वो। 2 वाले को वन में भेज दो सर। भाई ये क्या बन रहा है, ये और जूम करो। 2 वाले को वन में भेजो। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब किसको भेजो, यहाँ भेजो, 2 वाला हो गया, 3 वाले को 2 में भेजो, 3 वाले को 2 में भेजो। ठीक है, अब क्या बचा, 4 वाले को 1 में भेजो। हाँ बन गया, हाँ कुछ तो बना है। ठीक है, क्या बना है देखते हैं अब। देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे, वहां पे सब खिचड़ी पक गई थी। ठीक है, तो ये हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वीविंग वाले कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। ठीक है, कमेंट करो समझ आया नहीं आया, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो गई थी थोड़ी। तो ये वीविंग वाले बन गए कितने, 12। तो टोटल वीविंग कितने आए, अगर मैं लिखूँ नए में लिखते हैं, उधर तो वो सब खिचड़ी पक गई थी। तो वीविंग देखो, पहले क्रॉसिंग आए थे सर 4, मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग आए थे कितने सर, 4 प्लस 4 8, और सर वीविंग आए हैं कितने सर, यहाँ हैं 12। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं सर, 2 लेन, 2 वे के लिए, रोड के लिए टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहे हैं सर 12 12 24। तो सर आ रहे हैं वो 4 प्लस 8 प्लस 12, तो ये आ रहे हैं 24। अब इसमें से मेजर कितने हैं सर, मेजर है 12 और 4, 16, 16 मेजर है, 16 मेजर है और 8 माइनर है, 16 मेजर है और 8 कैसे हैं, माइनर है। ठीक है, समझ गए, समझ आ रहा है। यहाँ पे ये वो जो सब हो गया था, मतलब गड़बड़ हो गई थी, तो इसको अलग से बनाया, ये 12, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, 2 लेन 2 वे के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट रोड की। टू लेन वन वे, टू लेन वन वे मतलब 2 लेन है और 1 वे रास्ता है, तो 2 लेन 1 वे में बनाते हैं कितने आएंगे। ठीक है, टू लेन वन वे, अब रास्ता 2 वे नहीं रहा, अब रास्ता 1 वे हो गया है। तो रास्ता 1 वे होगा तो तुमको चीजें समझनी पड़ेगी कि कैसे कैसे हो रहा है। 1 वे में एक ही साइड की एंट्री रहती है, तो क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, 1 वे मतलब सर ये लोग कैसे जा रहे हैं, सर ये लोग सीधे जा रहे हैं इधर, 1 वे है तो 1 वे में भी कैसा होगा, सर ये लोग भी इधर ही जाएंगे, भाई ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो इसलिए 2 लेन 1 वे चल रहा है, ये लोग किधर जा रहे हैं, ये लोग इधर जा रहे हैं,
और ये लोग भी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं अभी तक के? सर चार आ गए क्रॉसिंग वाले, चार कौन से आ गए क्रॉसिंग वाले, सी चार आ गए। मर्जिंग कितने होंगे इसमें, मर्जिंग कितने होंगे? देखो ये इधर से ऐसे ऐसे जा रहे थे भाई, है ना, ये ऐसे जा रहे थे, मर्जिंग कितने होंगे? तो अब ये वाला जो है, ये लेफ्ट वाले इसमें मर्ज करेगा क्या? इसमें मर्ज नहीं करेगा, क्यों? वन वे है सर, वन वे में मर्ज थोड़ी होगा ये, नहीं तो रूल्स फॉलो नहीं होंगे। तो अब देखो ये वाला कहाँ मर्ज कर सकता है, ये वाला इधर मर्ज कर सकता है, एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, बस ये इतना ही बनेगा और कुछ बनेगा क्या? ये वाला किधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, और ये वाला इधर जा सकता है। तो मर्जिंग कितने आए, मर्जिंग पॉइंट कितने आए? सिंपली मर्जिंग ये एक हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया मर्जिंग, तो ये दो मर्जिंग हो गए। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने आएंगे, मर्जिंग मर्जिंग और टोटल पॉइंट आएंगे छः। ठीक है, ठीक है, याद रखना, यहाँ छः पॉइंट आएंगे, यहाँ पे डाइवर्जिंग नहीं आएगा कोई भी, टू लेन वन वे है इसलिए डाइवर्जिंग नहीं कंसिडर होगा, ऊपर टू लेन टू वे था तो डाइवर्जिंग कंसिडर होगा, वीविंग हो रही थी वहाँ पे, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे वीविंग हो रही थी, यहाँ पे कोई वीविंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें छः पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब वहां पे इसलिए लिया था डाइवर्जिंग क्योंकि भाई वहाँ कहाँ गया, वहां पे डाइवर्जिंग इसको ले लिया था ताकि अगर मैं वो डाइवर्जिंग भी शो करता तो पूरी खिचड़ी पक जाती, तो इसलिए एक ही ले लिया था मैंने, जब यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे डाइवर्जिंग कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे खिचड़ी तो पक ही गई थी, फिर से बनाना पड़ा था। चलो आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट, ये यहाँ पे ख़त्म हुई चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ख़त्म हुए, अब हेडिंग डालो डिज़ाइन ऑफ रोटरी, डिज़ाइन ऑफ रोटरी, डिज़ाइन ऑफ रोटरी, पहले इसमें हेडिंग डालो एलिमेंट्स ऑफ रोटरी, एलिमेंट्स ऑफ रोटरी, रोटरी भैया रोटरी क्यों दे रहे हैं, देखो रोटरी होता क्या है, रोटरी कुछ नहीं होता है, एक सेंट्रल में ऐसे सर्किल सा होता है, ठीक है, ठीक है, और आजू बाजू से रोड आती है, एक रोड आई, ये दो रोड आई, ये तीसरी रोड आई, और ये चौथी रोड आई। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ रोटरी दिखता है तुम्हारा, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे बने होते हैं, देखा होगा, रोटरी की एंट्री के लिए और रोटरी की एग्जिट के लिए। ठीक है, रोटरी की एंट्री के लिए और रोटरी की एग्जिट के लिए यहाँ पे चीज़ें बनी होती है, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, जो सेंटर में है, जो सेंटर में है उसको क्या बोलेंगे, ये जिस पे जूम किया उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल आइलैंड बोलते हैं। अब मैं नाम दे देता हूँ, ये यहाँ से जो ये जो रोड दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेग वन, रोटरी का क्या है ये, लेग है, क्या है, लेग वन, यहाँ से क्या होगा सर, ये लेग टू,
ये लेग थ्री और लास्ट वन इज वॉट लेग फोर। ठीक है, पूरे यही समझ जाओगे। अब क्या होता सेक्शंस होते हैं इसमें, सेक्शंस। तो मैं सेक्शंस काटता हूँ, सेक्शंस ये दो सेक्शन है, ये एक सेक्शन, ये है दूसरा सेक्शन, ये ऐसा, ये एक और सेक्शन, ये एक और सेक्शन, ये एक और सेक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, तुम्हारे सेक्शन होते हैं। अब देखो ये दो सेक्शन के बीच में जो ये दिख रहा है, एक ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा होगा आपको, ये और ये चार कौन से हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, वीविंग सेक्शन। क्या नाम है इनका, वीविंग, वीविंग सेक्शन। इनका नाम क्या है, वीविंग सेक्शन नाम इनका। वीविंग सेक्शन मतलब आप यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं ये वाले सेक्शन में। इनका नाम क्या है, वीविंग सेक्शन। फिर वहाँ एक और चीज़ दिख रही होगी आप लोगों को, ये वाला पोर्शन सर, ये जो बचा वाला है, ये वाला क्या है, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, अरे रबर क्यों आ गई, चलो ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, हमारी टेक्नोलॉजी फेल होती हुई। पूरा चला गया, चलो कोई नहीं, फिर से बनाते हैं। हेडिंग हेडिंग डली हुई होगी, ठीक है, सीधे सेक्शन बनाएंगे हम। चलो आओ, पहले क्या बनाते थे, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग, क्या दिक्कत है भाई इनको, क्या दिक्कत है तुमको भाई। चलो चलो आ जाओ, क्या पढ़ रहे, डिजाइन ऑफ रोटरी, डिजाइन ऑफ रोटरी, ठीक है। एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो एलिमेंट्स बना रहे थे जो आपकी कॉपी में बने होंगे, तो बस मैं इनको क्या करता हूँ जल्दी से बना देता हूँ। ये आपका क्या था, सीआई सेंट्रल आइलैंड था, है ना, यहाँ से सर लेग वन आ रहा था आपका, यहाँ से सर लेग टू आ रहा था, यहाँ से लेग थ्री और यहाँ से लेग फोर, और इनको सर आप ज्वाइन कर देते थे। अच्छा, तो ये आपका सेंट्रल आइलैंड बन जाता था, क्यों सिमेट्रिकल बनाना सब, यहाँ पे सर डिवाइडर होता था। अच्छा ठीक है, ये बन गया आपका डिवाइडर। फिर क्या बनाता था मैं वीविंग सेक्शन बनाता था, तो ये मैंने काट दिया यहाँ से, और ये पोर्शन क्या है सर, ये वीविंग सेक्शन है सर, वीविंग सेक्शन। ऐसे वीविंग सेक्शन कितने होंगे सर, चार होंगे, एक यहाँ 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 और ये इसको मिला के चार, ठीक है, तो ये चार काट देता हूँ मैं। चलो ये बन गए, ये क्या है आपके वीविंग सेक्शन, वी एस ए डब्ल्यू एस, ये क्या है डब्ल्यू एस, ये क्या है सर, ये है वीविंग सेक्शन। ओके
सर इनके नाम क्या है? लेग वन, लेग टू, लेग फोर, इनको क्या बोलते हैं? लेग, लेग वन, लेग टू, लेग थ्री एंड लेग फोर, ये हो गए, लेग फोर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ बात करते हैं, नॉन वीविंग सेक्शन की बात कर रहे थे, तो देखो जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन वीविंग सेक्शन, इनको क्या बोलते हैं? नॉन वीविंग सेक्शन, क्या बोलते हैं? नॉन वीविंग सेक्शन, इनको क्या बोलते हैं? नॉन वीविंग NWS, मतलब यहाँ पे क्या अलाउ नहीं है? NWS भैया, ये नॉन वीविंग सेक्शन में क्या अलाउ नहीं है भैया? नॉन वीविंग सेक्शन में ये ऐसी चीजें नहीं चल पाएगी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। वो कहाँ करना है आपको? वो वीविंग सेक्शन में करना है। कहाँ करना है आपको? वीविंग सेक्शन में करना है। तो चलो देखो, अब ब्लू से अपन एंट्री करवाते, गाड़ी आएगी कहाँ से? सर गाड़ी आएगी यहाँ से, यहाँ से गाड़ी आएगी सर, ये तो, ये क्या हुई सर? ये एंट्री हुई, गाड़ी यहाँ से इधर जाएगी, तो ये क्या हुई? एग्जिट हुई सर। क्या नाम दिया? एग्जिट। तो ये क्या हुआ? लेग टू की एंट्री और लेग टू की एग्जिट हुई, ऐसे ही सबकी एग्जिट एंट्री होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कुछ रेडियस देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, तो वो क्या होगा? आर एंट्री, इसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे? आर एंट्री, जो कर्व यहाँ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आर एंट्री, और जो कर्व यहाँ पे बनाओगे उसको क्या बोलोगे? आर ऑफ एग्जिट, ठीक है, आर ऑफ एग्जिट। वहीं अगर मैं बात करूँ, दो रेडियस तो ये हो गए आर एंट्री, मतलब एंट्री में आप स्ट्रेट रोड नहीं देते हो, कुछ कर्व देना पड़ता है। वो कर्व क्यों देते हैं? वो आगे देखेंगे। कर्व तो उसका जो रेडियस होगा वो आर एंट्री होगा, और एग्जिट में भी कुछ रेडियस देना पड़ता है, तो उसका जो कर्व का रेडियस होगा वो आर एग्जिट होगा। वहीं एक और रेडियस होगा, ये आर, आर सी आई, सेंट्रल आइलैंड का भी कुछ रेडियस होगा, तो वो किसको क्या बोलेंगे? आर सी आई बोलेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? वीविंग सेक्शन क्या है, नॉन वीविंग सेक्शन क्या है? वीविंग सेक्शन देखो क्या होता है, जहाँ पे भैया आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हो, मतलब जहाँ पे ऐसी क्रॉसिंग अलाउ है वो क्या है? वीविंग सेक्शन, ये अलाउ है, और नॉन वीविंग सेक्शन यहाँ अलाउ नहीं है, क्रॉसिंग अलाउ नहीं है। समझ आया? समझ आ रहा है? तो ये आपका रोटरी के एलिमेंट्स हो गए। अब पढ़ना क्या है इसमें? पढ़ना हमको जो है सिंपली हेडिंग डालो, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ रोटरी एज पर, कौन देगा वो? IRC देगा, एज पर IRC, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पहला गाइडलाइन लिखो, मिनिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी विच ए रोटरी कैन इफिशियंटली हैंडल इज 500 व्हीकल पर आवर, इज 500 व्हीकल पर आवर एंड एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है? 3000 व्हीकल पर आवर, 1 घंटे में 3000 व्हीकल एंटरिंग एंटरिंग फ्रॉम ऑल लेग्स, सारे लेग्स से, ठीक है, सारे
लेग से एंटरिंग फ्रॉम ऑल लेग्स, ये पहला क्या है गाइडलाइन है किसका, IRC का रोटरी के लिए। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ दूसरे गाइडलाइन की, तो दूसरा गाइडलाइन क्या है, दूसरा गाइडलाइन ये है आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप रोटरी इज प्रेफर्ड, इज प्रेफर्ड, या तो सर्कुलर या तो इलिप्टिकल होना चाहिए। मैं तीसरी बात करूं तो डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड किसकी, डिजाइन स्पीड ऑफ रोटरी, तो इसकी डिजाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो डिफाइन की गई फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के लिए क्या, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और फॉर रूरल एरियाज, वहाँ क्या होता है ट्रैफिक कम होता है, वहाँ क्या होता है ट्रैफिक कम होता है। तो अर्बन के लिए ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो कम होगी, वहीं रूरल के लिए वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्यों, ट्रैफिक कम रहता है। वहीं फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस, रेडियस कौन सा, रेडियस एट एंट्री एग्जिट एंड सेंट्रल आइलैंड, इनके रेडियस क्या होंगे, इनके रेडियस क्या होंगे, तो लिखते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट नहीं देते हैं, थोड़ा सर्कुलर देना पड़ता है, क्यों, अब तुम स्ट्रेट दे दोगे तो इंसान बहुत तेजी से आएगा, तुम सर्कुलर दोगे तो उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको मजबूरी में स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो लिखो इसमें एंट्री टू द रोटरी इज नॉट स्ट्रेट, इज नॉट स्ट्रेट, स्मॉल कर्वेचर, स्मॉल कर्वेचर इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस, इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड, काहे के लिए करेंगे, टू फोर्स टू फोर्सफुली, टू फोर्सफुली रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, टू फोर्सफुली रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, समझ रहे हो, मजबूरी में लोगों को मजबूर करो कि भाई तुम कम धीरे गाड़ी चलाओ, क्यों, क्रॉसिंग पे आ रहे हो, तुम स्ट्रेट दे दोगे तो जो 150 से आ रहा था वो 150 पे ही आएगा, और सीधे कहाँ घुस जाएगा, सेंट्रल आइलैंड में, तो वो नहीं करवाना, तो उसके लिए कर्वेचर दे देते हैं ताकि उसको भी थोड़ा डर लगे। वहीं अगर बात करें एंट्री रेडियस की, इसमें सुपर एलिवेशन कितना देते हैं, तो लिखो सुपर एलिवेशन, गाइडलाइन से ये सब, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, सुपर एलिवेशन इन रोटरी, इन रोटरी इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, क्वेश्चन आ सकता है कि रोटरी में कितना है सुपर एलिवेशन देते हैं, तो कितना देते हैं कैम्बर ऑफ रोड के बाद बराबर, कैम्बर ऑफ, कैम्बर था ना वो, मैंने क्या लिख दिया, चैम्बर, कैम्बर, कैम्बर ऑफ रोड, ठीक है, कैम्बर ऑफ रोड, ठीक है, बट फॉर डिजाइन रेडियस, बट फॉर डिजाइन ऑफ रेडियस, डिजाइन ऑफ रेडियस एट एंट्री
सुपर एलिवेशन की वो क्या करना है, सुपर एलिवेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुपर एलिवेशन इज अज्यूम टू बी ज़ीरो, इज अज्यूम टू बी ज़ीरो। कहना क्या चाहते हो बेटा? कैम्बर एलिवेशन कितना दो? जितना रोड पर कैम्बर है। पर लेकिन जब डिज़ाइन करो रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए जब तुम डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे क्या ले लो, सुपर एलिवेशन ज़ीरो ले लो। तो अपने सुपर एलिवेशन क्या होता था, ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर होता था। तो सर ये गाइडलाइन के हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हो, गाइडलाइन के हिसाब से एंट्री एलिवेशन को क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। पर कुछ एलिवेशन देना पड़ेगा सुपर एलिवेशन, तो वो कितना दोगे, वो दोगे कितना, कैम्बर के बराबर दोगे। पर जब रेडियस का कैलकुलेशन करोगे तो इसको क्या मानना, ज़ीरो मानना। तो जब ये ज़ीरो मानोगे तो क्या आएगा, एंट्री रेडियस आर एंट्री कितना आएगा, वो आएगा वी स्क्वायर बाय 127 बाय f। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, एंट्री रेडियस। वहीं अगर मैं एग्जिट रेडियस की बात करूं तो उसको कितना बोला है, 1.52 टू ऑफ आर एंट्री। कौन बोला है, IRC बोला है। अच्छा अगर रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड बोलूँ CI, तो वो कितना लेना है, वो लेना 4/3 r ऑफ एंट्री। तो ये सब किसने बोला है, ये बोला है IRC ने। समझ पा रहे हो, जब इसकी डिज़ाइन करोगे सुपर एलिवेशन तो तुमको देना है, कितना देना है, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर देना है। पर जब रेडियस ऑफ रेडियस एंट्री रेडियस निकालोगे, डिज़ाइन करोगे एंट्री रेडियस, तो उसमें सुपर एलिवेशन को क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं। चार पॉइंट हो गए थे, फिफ्थ गाइडलाइन डायमेंशंस। डायमेंशंस इन रोटरी, डायमेंशंस की बात करूं तो फर्स्ट ए, ए क्या है, एंट्री विड्थ, क्या है, एंट्री विड्थ। ठीक है, ए क्या है, एंट्री विड्थ है, एंट्री विड्थ। एंट्री विड्थ को डिनोट करते कैसे, E1 से। E1, E क्या था, E था सुपर एलिवेशन, E1 क्या है, एंट्री विड्थ है। ठीक है, एंट्री विड्थ क्या है, एंट्री विड्थ, तो एंट्री विड्थ मतलब जहां से तुम एंटर कर रहे हो, कहां पे एंटर करोगे, कहां पे, रोटरी में जहाँ से एंटर कर रहे हो, तो उसको क्या बोला, एंट्री विड्थ। तो एंट्री विड्थ किस पे डिपेंड करती है, एंट्री विड्थ डिपेंड करती है अप्रोचिंग विड्थ पे। एंट्री विड्थ किस पे डिपेंड करती है, अप्रोचिंग विड्थ पे। ये अप्रोचिंग विड्थ क्या है, तो अप्रोचिंग विड्थ देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा आइलैंड है, सॉरी रोटरी है। ठीक है, रोटरी था यहाँ कुछ, ये था भैया वृत्त, अप्रोचिंग वृत्त कितनी, मतलब यहाँ से कितनी वृत्त है, ये अप्रोचिंग वृत्त कितनी, अप्रोचिंग वृत्त है, उस हिसाब से क्या दोगे तुम, ये एंट्री वृत्त दोगे। ये क्या है, E1 है, और यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ से एंट्री हो रही थी, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो ये क्या होगा, E2 एग्जिट वृत्त होगी। ठीक है, और अप्रोचिंग मतलब भाई ज़्यादा अप्रोचिंग वृत्त होगी, ज़्यादा अप्रोचिंग वृत्त होगी तो ज़्यादा व्हीकल एक साथ घुसेंगे अंदर। समझ पा रहे हो, ये अगर ज़्यादा रहा अप्रोचिंग विड्थ, अगर मान लो रोड को मैं ऐसे चौड़ा कर दूं यहाँ से, अप्रोचिंग विड्थ ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा व्हीकल आएंगे ना यार, सिंपल सी बात है। तो जब ज़्यादा व्हीकल आएंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा व्हीकल अंदर घुसेंगे, तो जब ज़्यादा व्हीकल एंटर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, एंट्री विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो, एंट्री विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंपली एंट्री विड्थ में लिखो, एंट्री विड्थ ऑफ रोटरी एंट्री विड्थ ऑफ रोटरी इज गवर्न बाय ट्रैफिक एंटरिंग। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, गवर्न बाय ट्रैफिक एंटरिंग एंड अप्रोचिंग एंड
एंड अप्रोचिंग उरिट। देखो भैया, अप्रोचिंग वृत्त क्यों ज्यादा दोगे, कनेक्ट करो। अप्रोचिंग वृत्त जो है वो क्यों ज्यादा दोगे, क्योंकि वहां से ट्रैफिक ज्यादा होगा तो अप्रोचिंग वृत्त ज्यादा देनी पड़ रही है। अब सिंपल सी बात पूछ लूँ अगर मैं कि भैया रोटरी क्यों दे रहे हो, रोटरी क्यों दे रहे हो, तो सोचा किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि सर रोटरी क्यों दे रहे हैं। तो रोटरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है वहां पे, स्क्वायर पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है कि हैंडल नहीं कर पा रहे हम, है ना, सिग्नल वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। तो रोटरी दे दिया कि भाई ठीक है, अब लोग अपने हिसाब से चले। रोटरी पे भी क्या रहता है, वहाँ पे भी सिग्नल लगे होते हैं तो थोड़ा वेल मैनेज्ड तरीके से चलते हैं हम लोग, नहीं तो कैसे चलते हैं कहीं भी जा रहे हैं इधर उधर। तो रोटरी क्यों दे रहे, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था सर उस रोड पे तो इसलिए रोटरी दे दिए, ताकि हम सही से उसको रेगुलेट कर पाए। क्या हमने क्या डेफिनेट, आज का क्या हेडिंग है, रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशंस के लिए काम आता है ये रोटरी, कि ट्रैफिक को सही से हम क्या करें, रेगुलेट कर पाए। अब देखो अप्रोचिंग रेट पे एंट्री रेट कैसे डिपेंड कर रही है। अप्रोचिंग रेट मैंने क्या बोला था, ज्यादा होगी तो एंट्री रेट ज्यादा होगी। अब कनेक्ट करो, अप्रोचिंग रेट क्यों ज्यादा दी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो ट्रैफिक जब ज्यादा होगा तो अप्रोचिंग रेट ज्यादा होगी, अप्रोचिंग रेट ज्यादा होगी तो यहाँ से ज्यादा व्हीकल एक साथ आएंगे, तो ज्यादा व्हीकल एक साथ एंटर करेंगे कहाँ पे, अपना रोटरी में। जब ज्यादा व्हीकल एक साथ एंटर करेंगे तो एंट्री रेट भी ज्यादा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो गाइडलाइन में लिखा है कि मिनिमम रेट कितनी देनी है, तो मिनिमम रेट एट एंट्री 5 मीटर। कितनी मिनिमम रेट है, 5 मीटर। वहीं और आगे बात करता हूँ, एंट्री नॉर्म्स, एंट्री रेट्स नॉर्म्स, नॉर्म्स कौन देगा, एंट्री रेट नॉर्म्स कौन देगा, एंट्री रेट नॉर्म्स कौन देगा, एज पर IRC, IRC देगा एंट्री रेट नॉर्म। तो IRC ने क्या बोला, IRC ने बोला अप्रोचिंग या फिर अप्रोच रेट किस, और इधर क्या लेंगे, E1, याद रखना E1 क्या है, एंट्री रेट, एंट्री रेट। तो देखो जब अप्रोचिंग रेट तक 7 मीटर लोगे तो एंट्री विड्थ कितनी लेनी है, 6.5 मीटर। इसको 10.5 करो तो ये कितनी लेनी है, ये 7.0 मीटर। अगर ये 14 मीटर होगा तो एंट्री विड्थ बढ़ा रहे हैं 1-1 मीटर से, तो इसको 8.0 मीटर। अगर ये 21 मीटर होगी अप्रोचिंग रेट तो इसको कितना लेना है, 13.0 मीटर। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सिंपली एंट्री विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, अप्रोचिंग पे, अप्रोचिंग रेट पे डिपेंड करे कि भैया कितने लोग अंदर आ रहे हैं रोटरी में। वहीं अगर मैं ए पॉइंट हो गया था एंट्री रेट, अगर एग्जिट रेट की बात करूं, एग्जिट रेट को ई टू से डिनोट करूंगा, और जब इसको ई टू से डिनोट करूंगा तो ये हमेशा कितनी होगी, ई टू क्या है, ई टू इज रेट ऑफ एग्जिट, एग्जिट बनाया था मैंने हर एक लेग का, तो उसका विड्थ है। तो याद रखना है ई टू शुड नॉट बी लेस देन E1, ये हमेशा कितना होगा, हमेशा E1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, E1 से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो क्या लोगे, इफ डेटा इज नॉट गिवन, इफ डेटा इज नॉट, डेटा इज नॉट गिवेन, तो क्या करना है, कंसिडर, कंसिडर E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो एंट्री रेट और एग्जिट रेट को क्या ले लेना, सेम ले लेना। वहीं आगे बात करते हैं किसकी, विड्थ ऑफ ईविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन। अभी वीविंग सेक्शन क्या था, वहां बनाया था हमने,
विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन डब्ल्यू, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो हमने कहाँ गया हमारा, ये बहुत ऊपर चला गया, ये क्या है भैया, या लिवरेट की बात चल रही है, ये डब्ल्यू विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, इसको क्या बोलूंगा मैं, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, और इसको क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन एल, ठीक है। तो ये डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ मैं अभी तुम लोगों से, ठीक है। विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन और लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन इसके बाद देखेंगे। तो विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन देखते हैं क्या होता है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन क्या होगा, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू सिंपली होता है क्या, ई वन प्लस ई टू, वॉट इज ई वन एंड वॉट इज ई टू, एंट्री विड्थ एंड एग्जिट विड्थ, इन दोनों का मीन प्लस 3.5 मीटर। ये क्या है तुम्हारा, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन है, ठीक है। वहीं आगे बात करता हूँ मैं डी पॉइंट की, सर लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, एल, मैंने ऊपर दिखाया था लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन क्या है, तो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, तो एल 4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ए बी सी डी 5 हो गए थे, अब सिक्स पॉइंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ व्हाट, कैपेसिटी ऑफ रोटरी, रोटरी की कैपेसिटी कैसे निकालोगे सर, प्रैक्टिकल कैपेसिटी एग्जाम में पूछी जाती है, क्यों क्यों पूछी जाती है, क्योंकि इसमें सब आ जाता है, क्यू पी प्रैक्टिकल, यूनिट क्या है, पी सी यू पर आर, PCU क्या था सर, वो पैरामीटर था एक सब चीजों को बराबर ही ट्रीट करने के लिए, पैसेंजर कार यूनिट, 180 W, 180 W, 1 plus E by W, याद रखना है फॉर्मूला, 1 minus P max, 1 minus P max by 3, अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 plus W by L, वेयर W क्या है, कैपिटल W क्या है, ये तो अभी बताया था, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, सर ई क्या है, ई सुपर एलिवेशन है, नहीं सर, ई है एवरेज एंट्री विड्थ, एवरेज एंट्री विड्थ, अब एवरेज एंट्री विड्थ बोले तो क्या किया, सिंपली एंट्री और एग्जिट का क्या ले लो, एवरेज ले लो, ई वन प्लस ई टू बाय टू, ठीक है। लेंथ एल क्या है इसमें, एल है क्या, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन क्या है, एल है। अगर ये कितना होना चाहिए मिनिमम, ये 4 W, अगर कुछ में नहीं दिया है कुछ तो इसको 4 टाइम्स ऑफ W ले लेने का, ठीक है। सर पी क्या है, पी मैक्स, पी मैक्स है वीविंग रेशियो, वीविंग रेशियो, वीविंग रेशियो की वैल्यू जनरली होती है 0.42, 1 1 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपली तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अब आगे बात करते हैं, देखो बता दी, अब आगे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वीविंग रेशियो जो है, वीविंग रेशियो आया ना एक, ये वीविंग रेशियो ये कैलकुलेट कैसे कर, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वीविंग रेशियो कैलकुलेशन,
वीविंग रेशो कैलकुलेशन क्या है, वीविंग रेशो कैलकुलेशन। रेशो कैलकुलेशन में देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, समझ आ रहा है, ऑडियबल है? मुकुल पहाड़िया गुड आफ्टरनून। ऑडियबल है? ठीक है चलो, वीविंग रेशो कैलकुलेशन करनी है। तो पहले क्या आता था, बनाओ फिर से वही डायग्राम, ध्यान से समझना। ये मैं एक सेक्शन का बताऊंगा, बाकी का तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये क्या था अपना सर, लेग वन, ये क्या है अपना लेग वन, ओके ठीक है, लेग वन था ये, ठीक है। ये क्या है लेग टू था, ठीक है। ये क्या था लेग थ्री था, दिस वन इज व्हाट लेग फोर। फिर इसमें क्या आता था, डिवाइडर आता था, ठीक है सर। ध्यान से समझना, यहीं फंसोगे और कहीं नहीं फंसने वाले हो। अब बात करते हैं किसकी, वीविंग रेशो की। सेक्शन काटता था मैं यहाँ पे, ये सेक्शन काटा मैंने, ये क्या किया मैंने सेक्शन काटा। अब देखो ये सेक्शन काटा और ये क्या था, ये एंट्री था, ये एग्जिट था। किसके लिए, ध्यान से सुनना, गाड़ी कहाँ से आएगी, इधर से आएगी। वन वाली गाड़ी कहाँ जा सकती है भैया, ये वन से जो गाड़ी आ रही है वो कहाँ जा सकती है सर, वन से टू पे भी जा सकती है, वन से थ्री पे भी जा सकती है और वन से फोर पे भी जा सकती है। तो वन से हर जगह गाड़ी जा सकती है, इधर भी जाएगी और इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है। ये रोड को थोड़ा ऐसे सही बनाना ताकि तुम्हारी गाड़ी अंदर एंटर कर सके। तो भैया ये क्या हो गया, ये तो एंट्री हो गया वन के लिए, वन से जो गाड़ी आ रही है। तो अब मैं वीविंग सेक्शन किसका वीविंग रेशो जो है वो किसके लिए कैलकुलेट करता हूँ, मैं सेक्शन वन से टू के लिए कैलकुलेट करता हूँ कि वन से टू में ये जो बन रहा है इसको नाम दे देता हूँ वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन वन टू, ठीक है। ऐसे इसके बीच में भी एक होगा, ऐसे इसके बीच में भी, ऐसे इसके बीच में भी, कैलकुलेशंस पूरे सेम होंगे। एक कैलकुलेशन समझ गए तो सारे कैलकुलेशन तुम खुद से कर लोगे। तो देखो जब मैं इसकी बात करूंगा तो नाम देता हूं मैं ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है सर, स्मॉल ए वो नंबर ऑफ व्हीकल है जो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वन से लेके टू तक के ट्रैवल करे। तो वो कैसे करेंगे, अब वन से उसको टू जाना है तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे एंटर करेगा और चुपचाप इधर इधर चलेगा साइड साइड में, क्यों, उसको तो इधर ही मुड़ना है ना भाई। तो वो मान लो ऐसे कितने व्हीकल थे, इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर, ऐसे ए नंबर ऑफ व्हीकल थे, कितने नंबर व्हीकल थे ऐसे ए, मतलब 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, जितने भी हो, तो वो ए थे। तो इनका नाम मैंने क्या दिया, व्हीकल नंबर वन से टू, जो एक से दो की तरफ जा रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं बी की, वहीं मैं बात करूं बी की, बी क्या है यहाँ पे देखो, बी, बी वो व्हीकल है, कौन से व्हीकल है सर, जो वन से कहाँ जा रहे हैं, जिनकी जो जिनको कहाँ जाना है, वन से कहाँ जाना है, थ्री जाना है या वन से फोर जाना है, वन से थ्री जाना है या वन से फोर जाना है। तो सर वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आ रहे हैं एक नंबर से, जाना कहाँ है, तीन नंबर या चार नंबर। तो वो सिंपली क्या करेंगे सर,
सर वो सिंपली यहाँ तक के तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों? ये तो नॉन वीविंग सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉसिंग अलाउ नहीं है। क्रॉसिंग कहाँ अलाउ है? तो क्रॉसिंग सर यहाँ अलाउ है। तो ये क्या हुआ, ये बी जा रहे हैं इधर, बी किधर, किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये थ्री तरफ बढ़ रहे हैं और फोर तरफ। तो ये हो सकते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल के, ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है जो किधर जा रहे हैं, जो वन से थ्री भी जा सकते हैं प्लस वन से फोर भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, बी हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं सी की, एक एक और सी क्या है सर, सी कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स है, क्या है, कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो कहाँ जा रहे होंगे, जो जा रहे होंगे या तो इधर आ रहे होंगे सर, इधर, मतलब ये कैसे घूम के आ रहे हैं, ये हो सकता है सर थ्री से टू की तरफ बढ़ रहे हैं, थ्री से कहाँ जा रहे हैं, टू की तरफ जा रहे हैं, या सर हो सकता है फोर से बढ़ रहे हो टू की तरफ बढ़ रहे हो, या तो फोर से टू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, देखो देखो ध्यान से समझना, ग्रीन से ये तीन नंबर आला इधर आएगा और ये क्या करेगा, वीविंग सेक्शन में इधर बढ़ के सर्कल के साइड साइड में चलेगा चलेगा चलेगा। जब ये चलेगा, अब इसको पता है कि भैया मेरा डेस्टिनेशन इधर है तीन से दो की तरफ, तो फिर ये किधर बढ़ेगा सर, ये इधर बढ़ेगा, क्रॉस करेगा ये, तो ये क्या है, ये सी है और ये इधर आके इधर आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं बात करता हूँ चार नंबर वाले की, तो चार नंबर वाला दो, चार नंबर वाला कहाँ जा रहा है, दो पर जा रहा है, तो वो भी क्या है, वो आएगा इधर होगा, सेम सी को ज्वाइन कर दे जाएगा, समझ पा रहे हो? सी तो ये सी वो व्हीकल है सर जो थ्री से टू जाए, और सर कहाँ जा रहे थे, फोर से टू जा रहे, ठीक है? तो वो ऐसे कितने व्हीकल है टोटल, ऐसे सी व्हीकल है, ठीक है? सी, अब लास्ट देखो, वो वन से टू भी चला गया, वन से थ्री भी चला गया, वन से फोर भी चला गया, ये देखो, और सर थ्री से टू भी आ गया है, फोर से टू भी आ गया है, अब बचा कौन सर, अब बचा है फोर से थ्री जाने वाला, कौन बचा है, फोर से थ्री जाने वाला। तो ये फोर से थ्री जाने वाला ब्लू कलर में आ रहा है, तो देखो ये फोर से थ्री जाने वाला इधर आएगा, इससे भी जुड़ेगा और यहाँ से ऐसे ऐसे से सीधा निकल जाएगा और इधर से ऐसा चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, मान लो ऐसे कितने व्हीकल है, डी व्हीकल है, ठीक है? तो ये मैं इसको एनलार्ज करके बनाता हूँ अभी, ऐसे टोटल कितने व्हीकल है, डी व्हीकल है जो कहाँ जा रहे हैं, जो जा रहे हैं फोर से थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं देखो अब ये वीविंग सेक्शन को इधर एनलार्ज करके बनाता हूँ, तो वीविंग सेक्शन कैसा बन रहा है, सिंपली ये ऐसा बन रहा है, ये क्या था सर, ये ए था, ये क्या था सर, ये डी था, ठीक है? फिर सर यहाँ से कुछ बी गए थे, ये क्या गए थे, बी गए थे, और यहाँ से कुछ सर सी आए थे। तो समझ पा रहे हो ए बी सी डी क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है। ये क्या काटा मैंने, वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन कौन सा नंबर का है, वीविंग सेक्शन वन टू, वीविंग सेक्शन वन टू। ऐसे ही क्या बनाओगे, ऐसे ही टू थ्री बनेगा, टू थ्री यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ही थ्री फोर, ऐसे ही फोर और वन बनेगा। तो सर वीविंग रेशो क्या होता है, तो देखो वीविंग रेशो जिसको पी से डिनोट करते हैं, तो सिंपली वीविंग ट्रैफिक, वीविंग ट्रैफिक अपॉन व्हाट, टोटल ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक। तो इसमें वीविंग ट्रैफिक कितना है अपने पास, तो सर वीविंग ट्रैफिक बोले तो जो ये बी और सी है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है? समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है? जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे उन दोनों का सम, बी प्लस सी, और टोटल तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस वीविंग सेक्शन में, ठीक है? अरे ठीक है, ओके ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा है। वहां पे पी मैक्स था, पी मैक्स मतलब चार जगह निकालो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वीविंग ट्रैफिक की, वो लेने का है, ठीक है? अब देखो अब मैं बात करूंगा, अगर यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होता है, पर और क्लियरिटी के लिए समझ लो,
वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन कौन सा होगा? 4-1 ले लो, 4-1। अगर 4-1 लेते हो तो क्या होगा, ए क्या होगा 4-1 के लिए? वो नंबर ऑफ व्हीकल जो 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। बी क्या होगा सर? वो व्हीकल्स जो 4 से 2 जा रहे होंगे या 4 से 3 जा रहे होंगे। ठीक है। सी क्या होगा उसमें सर? जो व्हीकल 2 से 1 जा रहे होंगे और जो व्हीकल 3 से 1 जा रहे होंगे, है ना। और लास्ट डी क्या होगा उसमें सर? वो व्हीकल जो 3 से 2 जा रहे होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपको सारे सेक्शन का निकालना है। और क्या लोगे? पी मैक्स लोगे, पी मैक्स निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे। तो इसके क्वेश्चन आज कर लेना, ठीक है, इसके क्वेश्चन आज कर लेना तो बढ़िया से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक कंट्रोल, ये जो पोर्शन चल रहा था, इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शंस खत्म हो गया है। ठीक है, इंटरसेक्शंस खत्म हो गया है। रोटरी रोटरी डिजाइन करो घर पे बैठ के, बढ़िया। पी मैक्स निकालो, वीविंग रेशो निकालो और बहुत सारे क्वेश्चन करो। डाउट आते हैं तो व्हाट्सएप करो तुरंत। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब तो क्लियर होंगे ही होंगे, पर अभी भी पूछ लिया करो डाउट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं बन रहा है तो पूछो, तुरंत पूछ लो कि सर ये नहीं बन रहा है। 1-2 दिन में या 24 घंटे में कभी भी, जब भी फ्री रहे तब भी रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अभी बज रहा है 4, 1.5 घंटा लग गया इसमें बजे। अभी बज रहा है 4, तो अभी 4:15 से ट्रैफिक सिग्नल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4:15 से ट्रैफिक सिग्नल स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर में इतना ही, 4:15 के लिंक में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा 4:15 के लिंक। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे मैं एडमिन हूँ, तो वहाँ पे आपको लाइव क्लास के अपडेट मिल जाएंगे। वैसे आजकल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लोगे तो हम पब्लिक कर रहे हैं आजकल लाइव स्ट्रीम, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, 1/2 आवर पहले या 1-1.5 घंटे पहले आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 4:15 पे होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।